हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे थ्री के साथ में। ये बिल्कुल नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। जिन बच्चों के भी पेपर होने वाले हैं, पूरी सीरीज को फॉलो कर लो। फिजिक्स में भैया 75 में 75 विकल्प लगा के आओगे। तो आज है अपना तीसरा दिन। चलिए सर जी, शुरू करते हैं इस पूरी वीडियोस को। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई? इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली बाय एनी डिवाइस, यानी किसी भी डिवाइस के द्वारा हीट को पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने आपको बताया था भाई कि कभी भी भैया पूरे, जैसे मान लिया अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डलाते हैं, तो पेट्रोल डलाने के बाद गाड़ी चलनी चाहिए, केवल गाड़ी चलने का ही काम है उसका। लेकिन गाड़ी का इंजन गर्म होता है, उसमें हीट बर्बाद हो जाती है। गाड़ी में आवाज आती है, उसमें हीट बर्बाद हो जाती है। धुआं निकलता है, उसमें हीट बर्बाद हो जाती है। यानी ओवरऑल बात करें तो भैया पूरी पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है सर जी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा भाई? तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, यानी पूरी पूरी हीट को, 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता भैया, ठीक है। तो ये हो गया भाई पहला क्वेश्चन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या है? हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, यानी हीट जो है, ऊष्मा जो है, अपने आप कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं बह सकती। हम क्या कह रहे हैं कि जो ऊष्मा है वो अपने आप फ्लो नहीं कर सकती, कहां से? ठंडे से गर्म की तरफ। भाई सभी को पता है गर्म से ठंडे की तरफ तो जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ तो जाती है, लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ अपने आप नहीं जा सकती। दिस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ वॉज गिवन, भाई ये किसने कहा था? तो भैया ये क्लासियस का स्टेटमेंट है कि जो ऊष्मा है वो ठंडे से गर्म की तरफ नहीं जा सकती। सेकेंड लॉ दिया क्यों गया था पहले ये बताओ। सेकेंड लॉ की नीड ही यही थी। कुछ क्वेश्चन थे भाई, क्या जमीन से पानी अपने आप पहाड़ी पर जा सकता है? क्या ठंडे से गर्म की तरफ हीट अपने आप जा सकती है? क्या कम वाली एनर्जी से ज्यादा वाली एनर्जी की तरफ अपने आप ऊष्मा जा सकती है? इस तरीके के सारे क्वेश्चंस थे और उनका जवाब देने के लिए ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दिया गया था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट गलत है निम्न में से? तो भैया कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हीट इट सेल्फ कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अपने आप जो ऊष्मा है वो ठंडे से गर्म की तरफ जा सकती है, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला क्या है भाई? द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्रेसेस, यानी जो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम है वो क्या दिखाता है भाई? तो वो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को ये बताता है भैया। एस से हम लोग एंट्रोपी को लिखते हैं। एस बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, ध्यान से समझना। एस माने होता है एंट्रोपी, क्यू माने होती है हीट यानी ऊष्मा सर जी, ठीक है। टी माने होता है टेम्परेचर, टी माने क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो एस बराबर क्यू अपॉन टी फार्मूला होता है। ऊष्मा, जैसे अभी हमने आपको बताया था भैया कई तरीके के प्रोसेस होते हैं, जब भी कभी किसी प्रोसेस में ऊष्मा जो है वो कांस्टेंट रहती है तब हम लोग उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहते थे। वैसे ही जब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी उसे भी हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस ही कहेंगे। एडियाबेटिक का मतलब रुद्धोष्म, रुद्धोष्म मतलब समझते हो? हमने आपको बताया था गांव वगैरह में जब बरातें होती हैं तो भूसे के अंदर बर्फ रख दिया जाता है ताकि वो ऊष्मा पिघले नहीं, सही, ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी, तो बर्फ जो है वो पिघलेगा नहीं भाई, ठीक है। तो जब कभी भी हीट कांस्टेंट रहती है या फिर एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी होता क्या है भाई? एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? एक यहां पर मान लिया 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, 150 लोगों को हम सिस्टम में बैठा दें। इधर भैया दो लोगों वाली सीटें हैं तो सबको दो दो बच्चों को बैठा दें, इधर एक पे 10 बच्चों के बैठने की सीट है तो 10-10 बच्चों को हम बैठा दें यहां से वहां तक, और सब सिस्टम में बैठे हों, एक आदमी अंधाधुंध आके बैठ जाए तो जब वो अंधाधुंध बैठेगा तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब बिल्कुल सब ऑर्डर में बैठ जाएंगे मतलब डिसऑर्डर कतई नहीं रह जाएगा तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, यानी एंट्रोपी बोले तो डिसऑर्डर भैया, ठीक है। तो सेकंड लॉ बताता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को। अगला क्या है? द यूनिक फंक्शन, यानी एक जो फंक्शन है, यूनिक फंक्शन कह लो, पॉइंट फंक्शन कह लो, ऑफ द स्टेट, किसी अवस्था का, ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम की अवस्था का एक पॉइंट फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन क्या है? तो भाई एंट्रोपी है सर जी, ठीक है। ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, ये देखिए अभी हम बता रहे थे, तो जब भी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो एंट्रोपी एस रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो जब हीट मिल ही नहीं रही तो सारे मॉलिक्यूल्स या जो भी एटम्स हैं, जो भी हैं, वो सब सिस्टम में होंगे, बिल्कुल डिसऑर्डर होगा ही नहीं, तो एंट्रोपी जैसी है वैसी रहेगी, मतलब कुल मिलाकर, ठीक है। तो एंट्रोपी कैसी होगी? कांस्टेंट रहेगी सर जी। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये देखो
एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो है। तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी, यानी जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसके अंदर एंट्रोपी में वो चेंज होता है वो कितना होता है? तो भैया जब रिमेंस कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें चेंज कितना होगा? जीरो चेंज होगा भैया, ठीक है। अगला है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज, देखो आइसोएंट्रोपिक का मतलब क्या है बताओ? आइसोएंट्रोपिक का मतलब वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है। सभी को पता है, जैसे मान लिया अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कह देते हैं। अगर बाय चांस आयतन चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोकोरिक प्रोसेस कह देते हैं सर जी। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो आइसोबारिक प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हीट में चेंज नहीं हो रहा है, एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा है तो उसे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर भैया एडियाबेटिक प्रोसेस भी कह देते हैं। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? तो एंट्रोपी की होती है जूल प्रति केल्विन। अभी आपको बताया फार्मूला S बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू मतलब हीट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। बटे में टेम्परेचर की क्या होगी? केल्विन। तो एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी जूल प्रति केल्विन मेरे भाई। उसके बाद है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल समझते हो भैया? रिवर्सिबल का मतलब जैसे हम कह दें कि हम क्या कर रहे हैं, मान लिया रिवर्सिबल का मतलब है एक चीज से दूसरी चीज बन सकती है और दूसरी से पहले फिर बन सकती है, कि हम कहते हैं ए रिवर्सिबल बी, यानी इससे हम लोग यह बना सकते हैं और इससे यह बना सकते हैं सर जी। तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है तब क्लासियस ने क्या कहा एंट्रोपी के लिए? तो अभी आपको बताया कि भैया एस बराबर होता है क्यू अपॉन टी, तो भैया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन टी। अगर हम लोग काहे की फॉर्म में लिखें, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें, किसी क्लोज्ड साइकिल के लिए लिखते हैं, तो सारे के सारे बच्चे फिजिक्स वाले हैं यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लोज्ड साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है? जीरो होता है। dq upon t को ही हम लोग एंट्रोपी s कह सकते हैं, यानी चेंज इन एंट्रोपी किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? जीरो होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल। देखो भैया आ गया भाई, कार्नोट साइकिल क्या होता है बताओ? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है सर जी, इस तरीके से शुरू होता है, यहां से इस तरीके से हम लोग पूरा साइकिल देखने को मिलता है, तो ये कार्नोट साइकिल है पूरा सर जी, ठीक है, जो एक कहा है कि रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। तो भैया ये क्या है, इसमें भैया चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल, अगर एक पूरा कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं होगा भाई, ठीक है। The algebraic sum of entropy changes for a complete Carnot cycle. ये भी वही बात आ गई कि सारी एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सारे एंट्रोपी में चेंज अगर हम लोग जोड़ लें तो वो कितना आएगा? तो जीरो ही आएगा भाई, क्योंकि पूरा साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा तो चेंज इन एंट्रोपी इन कंप्लीट साइकिल भैया क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। द चेंज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी में होने वाला चेंज है वो पॉजिटिव होता है इन एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा कोई प्रोसेस जो इररिवर्सिबल है, मतलब यहां से यहां, जैसे दूध पे दही पे पहुंच गए, अब दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये इररिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, मतलब बढ़ेगा एंट्रोपी, डिसऑर्डर जो है वो बढ़ेगा। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल, ये देखो भैया चाहे वर्किंग सब्सटेंस के लिए कह लो, कार्नोट साइकिल के अंदर जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो क्या है? जीरो है, तो वो चाहे वर्किंग सब्सटेंस लिख के कहे या कैसे भी लिख के कहे, वो जीरो ही हो जाएगा भाई, ठीक है। अ पीस ऑफ आइस, बर्फ का एक टुकड़ा, इज एडेड टू वाटर, पानी में एड करा गया, इन अ कप, किसी कप के अंदर, देन एंट्रोपी, तब एंट्रोपी क्या होगा भाई? तो एंट्रोपी क्या होगी? इज इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, बर्फ के टुकड़े को पानी में डालोगे, बर्फ के भैया क्या पिघलना शुरू हो जाएगा, जो उसके अणु हैं, परमाणु हैं, जो एटम्स हैं, वो अलग अलग जाने लगेंगे भाई, पिघलेगा तो जाहिर सी बात डिसऑर्डर बढ़ेगा, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी भाई, ठीक है। इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, यानी प्रकृति में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उनमें एंट्रोपी क्या हो रही है? तो एंट्रोपी बढ़ रही है। जो आशिक मिजाज लोग हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि हे प्रिय, जैसे इस पूरे विश्व में एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, वैसे ही मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, क्या तुम, अब आगे ज्यादा नहीं बताएंगे वरना लोग कहेंगे सर जी आशिक मिजाज वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, लगातार डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जब डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ऑलवेज इंक्रीजेस, यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, हमने आपको बताया था अभी फॉर्मूला एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है क्यू अपॉन टी, से इधर भेज दोगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? टी इंटू एस हो जाएगा सर जी, यहां पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है।
अ कार्नोट साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, यानी जो कार्नोट साइकिल होता है टीएस डायग्राम पे वो कैसे रिप्रेजेंट, अभी बताया रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कार्नोट साइकिल होता है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट टीएस डायग्राम, अब जरा ध्यान से समझना, इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। देखो भैया ये एक चित्र दे रखा है, इधर की तरफ चलोगे तो S बढ़ेगा और इधर की तरफ चलोगे तो T बढ़ेगा। अब हम लोग इधर की तरफ चल रहे हैं, देखो तो जब यहाँ है तब भी टेम्परेचर इतना ही है, यहाँ आ गए तब भी इतना ही है, यानी इस पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना हुआ है। और जब भी कभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता उसे कहते हैं समतापी या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो ये चित्र क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिखा रहा है। अगर भाई ऐसे लाइन खींची होती तो यानी यहाँ पर एस सेम रहता, एस सेम रहता, एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा होता, तब हम लोग इसे एडियाबेटिक प्रोसेस कह देते हैं भाई, ठीक है, या फिर आइसोएंट्रोपिक कह देते हैं। द करेक्ट रिलेशन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल के लिए पी बी बराबर आपने पढ़ रखा है टीएस, तो पी डी बी बराबर पी डी एस होता है भैया, चेंज के साथ में लिख दिया हमने। फॉर टीएस डायग्राम द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व, यानी आइसोकोरिक मतलब जो आयतन बार, जब आयतन कॉन्स्टेंट होगा उस समय जो स्लोप यानी ढाल आएगी कर्व का, जो स्लोप आएगा वो गामा गुना होगा किसका, स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तब की कंडीशन का गामा गुना होगा। सरल भाषा में कहें तो जब आयतन कांस्टेंट होगा तो ग्राफ में ढाल ज्यादा होएगा, ज्यादा ढाल कैसे होएगा, ग्राफ में ज्यादा ढाल होएगा, और भैया जब प्रेशर होगा तो कम ढाल होगा, यानी स्लोप जो है आयतन कांस्टेंट होने पर आइसोबारिक वाले का स्लोप जो है वो ज्यादा होगा, कैसे ज्यादा होगा, इसका गामा गुना है भाई, ठीक है। थर्ड लॉ क्या होता है भाई, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या है, तो जब कभी भी लिमिट लगाएंगे टी गोस टू जीरो, टी गोस टू जीरो का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इतना कम है लगभग जीरो होने वाला है, तो एंट्रोपी में भैया एंट्रोपी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कोई डिसऑर्डर नहीं, मतलब जीरो डिग्री सेंटीग्रेड अगर कर दिया हमने, बल्कि जीरो केल्विन कर दिया सरल भाषा में कहें, तो एंट्रोपी में जो चेंज है वो पूरी तरीके से जीरो होगा, यानी सारे मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह पर सेट होंगे। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज, किसी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो क्या है, तो आ थर्मोडायनामिकल फंक्शन है, जाहिर सी बात है थर्म से, हीट से, हीट से, टेम्परेचर से, इन सब पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक थर्मोडायनामिकल फंक्शन है। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को कहे से लिखते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को हम लोग एच से भी लिखते हैं, लेकिन एच से एंथैल्पी लिख लेते हैं, तो ज्यादातर एफ से लिखा जाता, तो एफ बराबर यू माइनस का टी एस, यू इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, टी भैया टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी, और एफ क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद गिब्स फंक्शन को जी से लिखते हैं, जी बराबर एच माइनस का टी एस हो जाएगा, तो जी फॉर क्या है, गिब्स फंक्शन है। द करेक्ट रिलेशन इज, तो एच क्या है भैया, एंथैल्पी है, सभी को पता है, और एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, बता चुके हैं, एंथैल्पी का फार्मूला होता है एच बराबर यू प्लस पी बी, तो अगर यहां पर रख दें एच बराबर यू प्लस पी बी, तो जी आ गया, माइनस का टी एस आ गया, तो ये ऐसे भी रिलेशन लिखने को आ सकता है। उसके बाद क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, या फिर ये ऐसे पूछ सकता है, लेटेंट हीट इक्वेशन बताओ, क्लासियस की क्या, लेटेंट हीट इक्वेशन बताओ, यानी गुप्त ऊष्मा के लिए पूछेगा, लेटेंट हीट इक्वेशन, गुप्त ऊष्मा की समीकरण, तो यही होती क्या, dP over dT equals to L upon T V2 minus का V1, जहां पे L क्या है, लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है भाई, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज टू स्टडी, क्लासियस क्लैपेरॉन का प्रयोग है हम लोग काहे के लिए कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं बताओ, dP over dT यानी टेम्परेचर में, प्रेशर पे जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर पे प्रेशर का क्या फर्क पड़ रहा है, उसे बताने के लिए हम लोग क्लासियस क्लैपेरॉन या लेटेंट हीट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। तो आज अपना डे थ्री है भाई, हम अंधाधुंध तरीके से कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं, डे थ्री है, डेली शाम को भाई 8 बजे वीडियोस पब्लिक करेंगे और 9 बजे वीडियो पब्लिक करेंगे भाई, कौन सी, फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स, ठीक है। तो डेली शाम को 8 बजे ये वीडियो हम पब्लिक करा करेंगे, सेकंड सेमेस्टर वाली, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाके आप BDKDN BSc सर्च करेंगे, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह पे पढ़ना, तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, आप चाहो तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वरना सब कुछ यहीं पर पढ़ा रहे हैं, जो प्लेलिस्ट है उसे पूरा देख डालो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम BDKDN BSc पे, बाकी Instagram पे फॉलो कर लेना BDKDN को, 50,000 फॉलोअर्स के हम लोग बहुत करीब हैं, वहां पर भी स्किल्स से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।